काशीपुर के बेलजुड़ी ग्राम में गोकशी का विरोध करने पर प्रधान पति ने साथियों के साथ पूर्व प्रधान के घर में घुसकर मारपीट कर दी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि डेलापुर के नीचे कुछ लोग गोकशी कर रहे थे। सूचना पर ग्राम बेलजुड़ी निवासी शरीफ मौके पर पहुंच गया। उसके पहुंचते ही लोग वहां से फरार हो गए। आरोप है कि इसके बाद प्रधान पति ने अपने साथियों के साथ शरीफ के घर पर धावा बोल दिया और उसे मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गोकशी का विरोध करने पर पहले आरोपी ने उसे धमकाया, बात नहीं मानने पर घर में घुसकर हमला कर दिया। पीड़ित ने घटना की तहरीर कुंडा थाने को दे दी है। कुंडा थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि ग्राम बेलजुड़ी में दो पक्षों में आपस में झगड़ा होने की सूचना मिली। जांच करने पर पता चला कि एक पक्ष प्रधान पति व दूसरा पूर्व प्रधान के बीच चुनाव की रंजिश चली आ रही है और इसको लेकर झगड़ा हुआ है। एक को हल्की चोट लगी है। दोनों पक्षों की तहरीर ली गई है। जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रधान पति ने बताया कि ये चुनावी रंजिश है, गोकशी की बात सब प्रशासन को पता है, ये आरोप निराधार है। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। हमारे गांव में जब से लॉकडाउन लगा है तब से ग्राम प्रधान पति सरफराज के द्वारा गांव में 7 से 8 गायें कटवा दी गई और वो गायें काट के हमारे आसपास उनका मलबा डाल देते हैं। हमने प्रधानपति सरफराज से और उसके बड़े भाई से कहा कि भैया तुम गायें काटो लेकिन हमारे घर के आसपास मत डालो, अगर जो किसी ने किसी को सूचना दे दी माहौल खराब चल रहा है तो तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी फंसेंगे। तो जो है इस चक्कर में प्रधानपति सरफराज और वह उसके भाई ये लोग हमसे रंजिश रखने लगे और जाहिद वगैरह ये कल शाम मेरे पास आए, बोले भैया पूरा गांव शिकायत नहीं कर रहा, पूरे गांव को कोई ऐतराज़ नहीं है, तो तुम्हें क्या ऐतराज़ है? बोले तुम्हें क्या ऐतराज़ है? तो हमने कहा भाई हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, जहां तुम्हारा दिल करे वहां गाय काटो लेकिन हम अपने मोहल्ले में गाय नहीं कटने देंगे। तो प्रधानपति ने ये कहा कि तू बहुत बड़ा नेता बन गया, आज मैं तुझे देखूंगा। इन्हें चुनावी रंजिश है, ये चुनाव की इसको रंजिश को लेकर के, क्योंकि इन्होंने अपने चचेरे भाई को VDC का चुनाव लड़ाया था जिनमें इन्हें 35 वोट पड़े थे, ये वही रंजिश रख रहे हैं। इन्होंने हमसे मना किया था कि आप चुनाव मत लड़ो, हम चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ये भर्ती के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं, जिसका मेरे पास इनका दिया हुआ एक चेक भी है। अभी इन्होंने 3.5 लाख रुपये मेरे से खुद से लिए थे पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती कराने के लिए, वो चेक मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, इनके दिया हुआ चेक, वो चेक भी मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। ग्राम बेलजुड़ी है, इसमें दो पक्षों में आपस में झगड़ा होने की जानकारी मिली, सूचना मिली, इसमें जांच की गई तो एक मौजूदा प्रधान प्रधानपति सरफराज और दूसरी पार्टी जो पूर्व प्रधान है उनके बीच प्रधानी के चुनाव को हारने जीतने कई उसमें जो मामले होते हैं उस रंजिश को लेके झगड़ा हुआ है, जिसमें एक आदमी को हल्की चोट लगी है। दोनों पक्षों की तहरीर ली गई है, उनका मेडिकल कराया गया है और जाँच की जा रही है। जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।